राष्ट्रपति चुनाव हारते ही क्यों ट्रंप को तलाक देने जा रही है मेलानिया ट्रंप। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो बाइडेन के नए राष्ट्रपति बनने की खबरों के बीच हटने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी जीवन से जुड़ी एक खबर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि मेलानिया ट्रंप अपने पति को तलाक देने के लिए फाइनल कार्रवाई कर चुकी है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटते ही मेलानिया उन्हें तलाक दे देंगी। पूर्व सहयोगी ओमारोजा न्यूमैन के हवाले से पश्चिमी मीडिया में कहा गया है कि 15 साल की शादी ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ते ही टूटने जा रही है। क्या इस तरह की खबरें वाकई सच हैं? अगर सच है तो मेलानिया ट्रंप को आखिर तलाक क्यों देना चाह रही है और मेलानिया ने ट्रंप को हारने तक का इंतजार क्यों किया, यानी तलाक के लिए यही समय क्यों चुना? मेलानिया और ट्रंप के बीच तनातनी या मनमुटाव की खबरें नई नहीं है। ये भी कहा गया था कि मेलानिया ने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन शिफ्ट होने में इसीलिए 5 महीनों का समय लगाया था ताकि उनके बेटे बैरन ने स्कूली शेड्यूल में रुकावट ना हो। वहीं माइकल वुल्फ ने अपनी किताब फायर एंड फ्यूरी में लिखा था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर मेलानिया की आंखों में खुशी नहीं बल्कि दुख के आंसू थे। किताब के मुताबिक ना तो मेलानिया को उम्मीद थी कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे और न ही उसकी तमन्ना। अब इस दावे में कितना सच था यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रंप दंपति के बीच इरिटेशन एक से ज्यादा मौकों पर कैमरे में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा मेलानिया कई बार इशारों ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी करती भी दिखी, जैसे उन्होंने कहा था कि अमेरिका में चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए और इलीगल वोटों की गिनती नहीं होना चाहिए। यही नहीं, चुनाव के नतीजे आने पर मेलानिया ने कहा कि ट्रंप को हार मान लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर यह तनाव चल रहा था तो इसी वक्त मेलानिया ने क्यों तलाक की कार्रवाई की? ट्रंप के हारने और अमेरिका चुनाव के नतीजों पर आखिर क्यों मेलानिया का फैसला निर्भर था? क्या यह मेलानिया की कोई अवसर दारिता है या फिर किसी तरह का कोई खौफ? न्यूमैन के मुताबिक अगर मेलानिया ने पहले यह फैसला लिया होता तो ट्रंप राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्हें कई तरह से तंग कर सकते थे और बड़ी कठिन स्थितियां पैदा कर सकते थे। मेलानिया तलाक लेना चाह रही है, इन खबरों को ट्रंप के एडवाइजर जैसन मिलर ने फेक न्यूज बताया। दूसरी तरफ इन खबरों के पीछे एक और एंगल और थ्योरी चल रही है। एक खबर के मुताबिक एक पूर्व सहयोगी स्टेफनी ने दावा किया कि मेलानिया शादी के बाद इस बात पर अड़ी थी कि उनके बेटे बैरन को ट्रंप की जायदाद में बराबर हिस्सा मिले। इस दावे के साथ ही यह भी कहा गया है कि इस बात से ट्रंप नाराज थे और व्हाइट हाउस में उन्होंने अपना बेडरूम मेलानिया से अलग कर लिया था। हालांकि एक रिपोर्ट की माने तो स्टेफनी को बेईमान महिला करार देते हुए मेलानिया आरोप लगा चुकी थी कि वह वही महिला है जो उनके फोन कॉल चुपके से रिकॉर्ड करती थी। इस तरह की बातों से मीडिया में मेलानिया के किसी अफेयर की आशंका से भी इनकार नहीं किया गया। ट्रंप के सहयोगी और समर्थकों की तरफ से तलाक की खबरों को फेक न्यूज बताने के लिए तर्क दिए जा रहे हैं कि कई मौकों पर मेलानिया अपने पति की भरपूर तारीफ कर चुकी है। कई रैलियों और कार्यक्रमों में मेलानिया अपने पति के गुणों का बखान कर चुकी है और उनके चुनावी कैंपेन को भी समर्थन दे चुकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।